मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब आउटलाइन आप लोगों को मिल चुकी है, और जिन बच्चों ने आउटलाइन अपने अपने कैंपस से रिसीव नहीं की, बराए मेहरबानी वो अपने कैंपस में आए और अपनी आउटलाइन रिसीव करें और उसमें से तैयारी करें। जानती हूँ मैं कि आप लोगों के पास सब कुछ है, मटेरियल पीडीएफ के जरिए आप लोगों को तमाम काम भेज दिया जाता था, तो उसकी आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने रिवीजन किया था हम्द और नात का। हम्द और नात के बारे में कुछ सवाल जवाब, कुछ अल्फाज मायनों के बारे में बताया गया था। अब हमारे पास क्या है बचा? अब हमारे पास चैप्टर है। चैप्टर में हमारे पास एक चैप्टर है गोठानी जिंदगी, गाँव की लाइफ के बारे में आप लोगों को बताया गया था। उसके बाद पांच सगोरन जो दुश्मन पाड़े से समर्थाओ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा उसने सलूक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सुठो शहरी। सुठो शहरी एक अच्छा शहरी, शहर में रहने वाला के वो किस तरह रूल्स को अपनाता है और किस तरह जो है वो चलता है, और शहर में अगर वो रह रहा है तो हक और फर्ज के बारे में उसको मालूम होना चाहिए कि किस वक्त क्या उसके ऊपर हुकूक और फराइज आयद किए जाते हैं। जैसे है कि आप लोग जान रहे हैं जिस तरह का दौर चल रहा है, तो हमारे पे ये लागू किया गया है कि हम ज़रूरी अपने साथ जो है वो SOPs का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रामर वर्ग, और मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों के पास ये इन तमाम चैप्टर्स के पैराग्राफ, सवाल जवाब, खाली जगह, जुमले, तमाम काम होगा। मजमून के बारे में, अब मजमून के बारे में मैं बताऊंगी आपको। मजमून दिया गया है, आपके पास मजमून है बेटा। कौन सा मजमून दिया गया है? कौमी हीरो के बारे में हमने लिखा था। कौमी हीरो यानी हमारी कौम का हीरो। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि एक कौम के लिए जो है एक रहनुमाई की ज़रूरत होती है, किस किस चीज़ के लिए की मुश्किलात दरपेश होती हैं, तो वो पूरी टीम काम करती है, तब जाके हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसके बारे में आपने किया था। ख़त का पैटर्न बताया गया था, आपको दरख्वास्त का पैटर्न भी बताया गया था कि आप ख़त किसके बारे में लिखेंगे, दरख्वास्त किसके बारे में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा अल्फाज से। अब मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा में आप लोग कुछ गलतियां करते हैं बेटा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब जैसे कि ये वाहिद जमा दिए गए हैं आप लोगों को, वाहिद और जमा। अब वाहिद जमा में आप लोगों को कॉलम बनाना लाजमी है बेटा। ठीक है, कॉलम आप लाजमी बनाएंगे। कॉलम आप बना के जो बेटा वाहिद होगा वाहिद में आ जाएगा, जो जमा में होगा वो जमा में आ जाएगा। अब वाहिद और जमा में आप लोग गलती करते हैं, यहाँ जमा ले आते हैं, जैसे कि है मेजू लिखा है और ये लिखा है जमा में मेज, तो बेटा ये हमारा रॉन्ग है। इधर क्या आएगा, हम लोग जमा को वाहिद में, वाहिद को जमा में कर देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो अब हमारे पास ये है लफ्ज मेज, और इधर हो जाएगा वाव और नून लगा के मेजू, मेज मेजू, कापी कापियों, पेंसिल पेंसिलों। ठीक है, अब जेर और जबर का कलम, कलम कलम, अब यहां भी जेर डबल आ जाएगा, कलम कलम, ये चीज भी आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, वाहिद वाहिद में, जमा जमा में। ठीक है, और इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी मुज़क्कर और मोनस कितनी हो गई, मुज़क्कर और मोनस। अब मुज़क्कर मोनस में क्या करते हैं आप लोग, जैसे यहाँ वर्ड दिए जाते हैं आप लोगों को, अगर इनके मिक्स वर्ड भी दिए जाते हैं आपने, तो आप लोगों ने वाहिद को वाहिद, मुज़क्कर को मुज़क्कर में, मोनस को मोनस में लिखना है। ठीक है, अब औरत हमारे पास, हमें पता है क्या है, मोनस है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका मुज़क्कर क्या आएगा, मर्द आएगा। अब राजा हमारे पास क्या है,
राजा हमारे पास मुजक्कर है, हमने मुजक्कर में लिख दिया। अब इसका हम क्या लिख देंगे, रानी। अब ये जो हम लोग नून को तोए पढ़ते हैं रूणो, आप लोग क्या करते हैं इसको लिख देते हैं रानी, ना इधर कोई नुक्ते, कोई नुक्ता यहाँ नहीं आता और ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। यहाँ क्या आना था, ये वाला वर्ड आना था, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, बल्कि ये पूरा वर्ड ही रॉन्ग हो गया ना, ये पूरा लफ्ज ही गलत हो गया, ये उर्दू में आ गया, तो इसके मार्क्स नहीं दिए जाते, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो सिंधी में है वो सिंधी में ही रहेगा, ठीक है बेटा। आप लोग कभी ये के नुक्ते नहीं लगाते, कभी ये वाली चीज नहीं बनाते हैं। अगर ये हिरण है, हिरण अगर आपको हिंट्स में दिया जाएगा, मैं बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ दिया गया है हिरण, तो आप लोग ये भूल जाते और ये नहीं लिख देते, ये नहीं आएगा, ये गलत हो गया, ये तो उर्दू वाला है ना। अब इसका हिरण है तो हिरणी आएगा, हिरण हिरणी, सही है। इस चीज का बेटा बहुत ख्याल रखना है, और बाकी तमाम काम आपके पीडीएफ में मौजूद है, आपकी कॉपीज में होगा, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और अपनी स्टडी अच्छी तरह करेंगे, अपने इम्तिहानात की तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।